एक तरफ पूरी दुनिया का ध्यान ईरान इजराइल के बीच कभी भी युद्ध छिड़ने की आशंकाओं पर लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान खुद को एक परमाणु संपन्न देश बनाने में लगा है। ईरान इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम पर प्रयास तेज कर रहा है, जिससे देश परमाणु बम विकसित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। ये एक ऐसा खतरा है जो दो दशकों से पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। तीन सूत्रों के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पुनर्गठन करके ईरान अपने सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। ईरान परमाणु बम डेटोनेटर के उत्पादन के लिए फिर परीक्षण शुरू करने वाला है। वर्षों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी सालाना रिपोर्ट में लगातार कहा है कि ईरान वर्तमान में परीक्षण योग्य परमाणु उपकरण बनाने के लिए आवश्यक गतिविधियां नहीं कर रहा। हालांकि जुलाई में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की 2024 रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने ऐसी गतिविधियां की हैं जो उसे परमाणु उपकरण बनाने के लिए बेहतर स्थिति में लाती हैं। नई जानकारी से पता चलता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने परमाणु हथियार बनाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसमें हाई लेवल यूरेनियम इनरिचमेंट न्यूक्लियर डेटोनेटर डिवाइस और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का विकास शामिल है। इब्राहिम रहीसी की मौत से पहले ही ईरानी संसद ने एक बिल को मंजूरी दी थी, जिसमें SPND का गठन शामिल था। SPND को 2010 में ईरान रक्षा मंत्रालय की एक सहायक कंपनी के तौर पर बनाया गया था। इस बिल के बाद इसको एक स्वतंत्र बॉडी में बदल दिया गया है। ये बॉडी अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कंट्रोल में है। ईरान के सैन्य परमाणु प्रोग्राम में अहम रोल निभाने वाले मोहसिन फखरीजादे पहले SPND का नेतृत्व करते थे। मोहसिन फखरीजादे की भी 2020 में अब्सॉर्ड इलाके में हत्या कर दी गई और इसका आरोप इजराइल पर लगा। अब रिपोर्टों से पता चला है कि ईरान ने यूरेनियम का उत्पाद 60% से बढ़ा लिया है, जो छोटे परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका के निकलने के बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुद्धता के स्तर को 60% तक बढ़ा दिया है। ये परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी शुद्ध यूरेनियम के लेवल के करीब है। वहीं वह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है। इस कार्यक्रम में एक और प्रमुख खिलाड़ी है। इस सप्ताह के शुरुआत में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मोहम्मद इस्लामी को ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख के रूप में बरकरार रखा है। इस्लामी ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो परमाणु ऊर्जा संगठन के पिछले प्रमुखों से बहुत अलग हैं। 1987 और 1989 के बीच इस्लामी ने रक्षा उद्योग संगठन में विकास परियोजनाओं के उपप्रमुख के रूप में एक संवेदनशील मिशन का प्रबंधन किया था। उन्होंने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान के साथ गुप्त बैठक के लिए इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा दुबई भेजी गई एक टीम का नेतृत्व किया था, जिन्होंने बाद में ईरान को परमाणु प्रौद्योगिकी और संवर्धन उपकरण स्थानांतरित करने की बात स्वीकार की थी।